हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ट्राइपॉड स्टैंड की, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे मैंने बहुत ही कम दाम पर अमेज़ॉन से परचेज किया है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती है और ये कैसा है और इसकी कैसी क्वालिटी है। और देखते हैं कि जहाँ पर ये थ्री वे हेड और बिल्ट इन लेवल एंड फोर सेकेंडरी लेग हैं, जो कि इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है। तो देखिए, जहाँ पर ट्राइपॉड 3110 मैं इसका मॉडल नंबर है। तो अब हम देखते हैं इसको ओपन करके, तो जहाँ इसके साथ ये कवर मिला था इसके लिए, और इसके साथ ये सबसे पहले हमें एक मोबाइल होल्डर मिलता है, जो कि स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये स्मार्टफोन को होल्ड करता है। तो कैमरा स्टैंड भी मिलता है इसके साथ, लेकिन वो अलग से शायद परचेज करना पड़ेगा। तो जहाँ पर देखिए, ये इस तरह सा कुछ दिखता है और इसकी ऐसी लुक है। तो ये हमें इसके साथ कवर मिला था, तो ठीक ठाक ही है। तो जहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से है, ट्राई स्टैंड है, इस पर एक लेवल भी है। तो जहाँ पर इस तरह से हम इसको 180 डिग्री पर भी रोटेट करा सकते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर, जो कि स्मार्टफोन को 90 डिग्री पर हम रोटेट करा सकते हैं इसके लिए। तो जहाँ पर इसके साथ हम अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं मोबाइल के साथ, और ये बहुत ही स्टेबल है। जहाँ पर ये देखें तो इसके साथ ये लेवल भी साथ में ही है, जो कि इसकी एडजस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें इसके लेवल का पता चले और इसको अच्छी तरह से हम ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर भी यूज़ कर सकें। तो जहाँ पर देखें कुछ इस तरह से इसकी जो लेग्स हैं जहाँ पर निकल रही हैं, तो जहाँ देखिए फोर सेक्शन लेग हैं, मीनिंग कि इसके साथ हमें चार लेग इन बिल्ट मिलती हैं, जिसे हम निकाल कर इसकी जो हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पर देखिए, अगर इस लेवल की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लेवल है। तो गाइस, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो ये यूनिवर्सल ट्राइपॉड स्टैंड है, 3110 इसका मॉडल नंबर है। तो ये लगभग मुझे अमेजोन पर 300 रुपये में पड़ा, 300 रुपये मीनिंग की जो भी डिलीवरी चार्जेस सभी पाकर। तो अगर भी आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर इसे परचेज कर सकते हैं और इसके जो भी स्पेसिफिकेशन है सभी चेक कर सकते हैं। तो एक आम यूट्यूबर के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। तो इसमें फोर सेक्शन एल्युमिनियम लेग है। गाइस, इसकी बॉडी की बात करूँ तो ये एल्युमिनियम का बना है, तो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है, तो बजट फ्रेंडली भी है। तो इसका वेट की बात करूँ तो 420 ग्राम इसका वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। तो इसको मैंने पूरी तरह से इसको निकाल दिया है। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 3.5 फीट की है। तो देखते हैं और भी इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है। तो जहाँ पर आप मैक्सिमम इसको 3.5 फीट तक ऊंचा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो लगभग 41 इंच की हाइट के साथ है, तो हाइट के मामले भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टेबल है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट एक तरह से बजट फ्रेंडली है, अगर अच्छे से यूज किया जाए। तो जहाँ पर इसे रबर्ड लेग ग्रिप भी मिली है, जो कि इसकी जो भी स्लिपिंग से बचाती है, तो ये स्लिप भी नहीं करता क्योंकि इसमें रबर्ड पैड भी लगे हैं। तो इस तरह से इसके कुछ लॉक फीचर भी हैं, अच्छी तरह से लॉक कर देता है। जहाँ पर ये देखिए थ्री वे पैन हेड है, जो कि इसे 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री तक रोटेट करा सकता है।
आप चाहें तो किसी भी एंगल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, क्योंकि इतने कम बजट में इतना सब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी चॉइस थी, इसलिए मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके एंगल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कराया जा सकता है। यहाँ पर इसका जो मोबाइल होल्डर है उसको भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये स्मार्टफोन को होल्ड करता है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी। तो यहाँ पर देखिए इसकी यही अनबॉक्सिंग थी। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप नीचे इसका लिंक देख सकते हैं और इसे बाहर से जाकर परचेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।